अगर आप ढूंढ रहे हो कोई स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज़ बजट, तो वाली वीडियो आपके लिए है। मैंने आपके लिए रखे हुए हैं ढूंढ के 5 स्मार्टफोन, जिसके अंदर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी मिलेगी, कैमरास के ऑप्शन भी काफी अच्छे हैं, एंड आप इनमें से कोई से भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सो बिना कोई देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। सबसे पहले हमारा स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स नोट 40X, एंड ये भी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। एंड इसके अंदर आपको मिलता है FHD+ डिस्प्ले विद 120Hz का रिफ्रेश रेट, IPS LCD वाला पैनल है तो डिस्प्ले भी काफी ठीक ठाक है, एंड ये अपने सेगमेंट के अंदर आपको ऑफर करता है 12GB की रैम प्लस 256GB की स्टोरेज। और परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर आता है Dimensity का 6300 वाला चिपसेट, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी गेमिंग के अंदर, ये आपको 40fps तक आउटपुट आराम से दे देगा। बट अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो मैं आपको ये वाला स्मार्टफोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड इसके अंदर आपको मिलता है 108MP का मेन कैमरा, जो कि इसकी फोटोज अब काफ़ी ठीक ठाक निकल के आ जाती हैं। बट इसके आप नंबर पे मत जाना कि 108MP का तो ज़्यादा अच्छा कैमरा होगा, वो खाली एक नंबर है। एंड इसके अंदर आती है 5000mAh की एक बड़ी बैटरी, जो कि सपोर्ट करती है 18W की फास्ट चार्जिंग को। और हाँ, इसके अंदर आपको मिलता है 3.5mm का जैक, तो आप अपने हेडफोन्स को डायरेक्टली कनेक्ट करके पूरा आउटपुट ले सकते हो। प्लस इसके अंदर आपको मिलने वाले एंड्रॉइड 15 तक के अपडेट, एंड इसकी प्राइसिंग है 14,999 इसके जो 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की। बाकी आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है तो उसके अंदर 12GB वाला जो वेरिएंट है वो भी आपको 15,000 रुपीज का मिल जाएगा। सेकंड फोन है हमारा मोटो का G64, एंड इसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है FHD+ वाला डिस्प्ले, IPS LCD पैनल इसमें भी मिलता है। टेंशन मत लो, आगे AMOLED डिस्प्ले वाले भी स्मार्टफोन है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। खैर, अब आगे वीडियो में बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है 120Hz का रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, एंड एक बड़ी बैटरी 6000mAh की, जो कि सपोर्ट करती है 33W की फास्ट चार्जिंग को। एंड परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर मिलता है Dimensity का 7025 वाला चिपसेट, तो इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक निकल के आ जाती है। एंड बात करें इसके कैमरास की, तो इसके अंदर आता है ड्यूल कैमरा का सेटअप 50+8MP का, एंड इसकी जो इमेजेस है वो काफी अच्छी निकल के आती है। जो इसका प्राइस है वहां आपको उसके कैमरास एंड जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा मिलता है। बाय द वे, इसके अंदर आता है MIUX 14, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पे ही। ये भी मोटोरोला का ही UI है, जैसे कि हेलो UI आता है। एंड इसकी प्राइसिंग है 13,999 इसके 8GB प्लस 128GB वाले वेरिएंट की। तो आपको जो कैमरा एंड जो UI का एक्सपीरियंस मिल रहा है वो मोटो G4 में सबसे बेस्ट मिलेगा। एंड अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो कि है सैमसंग F15 5G। सो वाला स्मार्टफोन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको सैमसंग का डिवाइस चाहिए था अंडर 50,000 रुपीज में। एंड इसके अंदर आपको मिलता है FHD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले विद 90Hz का रिफ्रेश रेट, Dimensity 6100+ वाला चिपसेट, एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ठीक ठाक है अपने प्राइस रेंज के मुताबिक। एंड जो कैमरा का यूनिट है वो भी काफ़ी अच्छा है, 50MP का मेन सेंसर मिलता है, जो कि अच्छी खासी फोटोज़ निकाल के देता है आपको। एंड 6000mAh की बैटरी मिलती है, जो कि सपोर्ट करती है 25W की चार्जिंग को। बट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। चार्जर वैसे साथ आ जाता तो काफ़ी अच्छा होता। खैर, अब आगे बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है One UI 6.1, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 14 में। एंड इसकी जो अपडेट साइकिल है वो काफ़ी बड़ी है। इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 4 ईयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 5 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स, एंड इसकी प्राइसिंग है 14,499 रुपीज़। डिस्प्ले, कैमरा एंड बैटरी काफ़ी अच्छी मिलती है आपको इस स्मार्टफोन के अंदर। एंड अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो वो है वीवो का T3X 5G। वीवो T3X आपको इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आता है Snapdragon का 6 Gen 1 वाला चिपसेट, जिसका अंततः बेंचमार्क स्कोर निकल के आता कुछ 5 लाख के अराउंड। एंड इसके अंदर मिलती है FHD+ डिस्प्ले, जो कि IPS LCD पैनल पे विद 120Hz का रिफ्रेश रेट। बड़ी बैटरी है इसके अंदर 6000mAh की, जो कि सपोर्ट करती है 44W की फास्ट चार्जिंग को। डिजाइन इसका काफ़ी अच्छा है, प्लस IP64 की रेटिंग मिलती है। एंड इसके जो कैमराज है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, 50MP का मेन कैमरा मिलता है, जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 30fps में हाईएस्ट। एंड ये आता है 14,999 रुपीज़ का। अगला स्मार्टफोन है हमारा CMF Phone 1, तो आपको इस स्मार्टफोन के बारे में पता ही है कि क्या यूनिक है। इसका बैक कवर आप चेंज कर सकते हो, एसेसरीज अटैच कर सकते हो, साथ ही में इसके अंदर आपको मिलता है FHD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले विद 120Hz का रिफ्रेश रेट। एंड जो इसकी परफॉर्मेंस अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर आता है MediaTek का Dimensity 7300 वाला चिपसेट, एंड इसका जो UI एक्सपीरियंस है वो सबसे बेस्ट है। इसके अंदर आपको मिलता है Nothing OS, बड़ा ही क्लीन UI है। इसके अंदर आपको कोई भी एड्स या फिर ब्लोटवेयर देखने के लिए नहीं मिलते। प्लस इसके अंदर आती है 5000mAh की बैटरी, जो कि सपोर्ट करती है 33W की फास्ट चार्जिंग को। कैमराज भी इसके काफी ठीक ठाक है, जहां पर आपको 50MP का मेन सेंसर मिल जाता है। बाय द वे, इसकी प्राइसिंग है 15,999 रुपीज़, ऑफर्स वगैरह लगा के आपको मिल जाएगा 14,999 रुपीज़ का। सो यही थे हमारे कुछ
फेवरेट स्मार्टफोन की लिस्ट है। इसके अलावा आप चेकआउट कर सकते हो पोको के X6 Neo एंड Realme P1 को। दोनों ही फोन अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं। एंड वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।